पोजीशन करने जा रहे हैं। बाद में टेस्ट पेपर 2022 है, पहला पेपर। एज ही इंटर्ड स्कूल गेट, एज ही इंटर्ड स्कूल गेट, आइडिया अकर्ड हिम। जैसे ही प्रवेश किया स्कूल गेट, विचार उत्पन्न हुआ, घटित हुआ, विचार हुआ हिम। आर्टिकल ए एन दी को आर्टिकल करते हैं, ए एन द तीनों में से कोई एक भरना है, और प्रीपोजिशन ऑन, इन, विथ, ओवर, बिटवीन, इज टू, जो आप जानते हैं उससे भरना है। ठीक है, मैं जल्दी देख के करके करते जाऊँगा। जैसे ये पार्ट से लिया गया है, आप समझ सकते हैं। पांच का एक, तीन नंबर के लिए आएगा, क्वेश्चन नंबर वही रहेगा आपका। एज ही इंटर स्कूल, इंटर के बाद हम लोग इन टू वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, आर्टिकल। एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट, धीरे धीरे आप देखिएगा, जो चार पांच जो पेपर पर दूंगा तब आसानी से सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा तो होगा, पर बाद में ठीक हो जाएगा। और इसे आप जब भी आप पाठ पढ़िए तो आर्टिकल पेपर में ध्यान रखिएगा, तो और ये बात आसान हो जाएगा। As he entered the school gate, अब ये शुरू में है तो वहां पर आर्टिकल ही है, क्योंकि विचार आया, एन आइडिया आई है, आइडिया। देखिए अब बड़े हो गए हो तो आई देखकर ही एन लगा देंगे, ऐसा नहीं है, उच्चारण होना चाहिए आपका भावेल का, आई का उच्चारण होगा तो ही एन लगेगा, सिर्फ भोवेल देखकर एन नहीं लगाना है। तो क्या हो गया, एज ही इंटर द स्कूल गेट, जैसे ही वो स्कूल गेट में प्रवेश किया, एक विचार, एन आइडिया अकर्ड हिम, टू हिम। ठीक है, बुरा हुआ है वाला आगे हम करेंगे। आप आपका पांच का ए में जाइएगा, वहां पर ही आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पांच का ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, हिंदी वाइज का कि उचित आर्टिकल और प्रीपोजिशन से खाली जगह को भरिए। इन 1886 1886 में व्हेन डॉक्टर देवली, जब डॉक्टर देवली सेट हिज न्यू ऑफिस हॉपिंग पेन पेशेंट्स, He decided to try writing detective story and thus Mr. Sherlock Holmes
नाम पढ़ने में मुझे दिक्कत होता है अंग्रेजी नाम। वाज बॉर्न, अब आप देख लीजिए यहाँ, सोचिए क्या कैसे भरा जा सकता है। हम गौर से ध्यान दें तो आपको पता चलेगा। ये जो है ना, हिज न्यू ऑफिस, सेट हिज न्यू ऑफिस, ये हिज न्यू ऑफिस, न्यू ऑफिस के पहले हिज है, यहाँ तो वो आर्टिकल लगने से रहा, आर्टिकल कभी नहीं लगेगा। ठीक है, हॉपिंग पेशेंट्स नाउन है, संभावना है। राइटिंग डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी, देखिए डिटेक्टिव स्टोरी है, यहाँ भी हो सकता है। अब आप इसे गौर से ध्यान करेंगे कि कैसे हो रहा है, कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। जो भी हो रहा है भर दीजिए अपने से, थोड़ा सा गलती करिए, फिर भरूंगा, उसके बाद आप मिला कर देख लेंगे, वैसे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो गया, करते हैं। देखिए यहाँ पर हिज न्यू ऑफिस सेट किए हैं, मतलब क्या हुआ, अपने ऑफिस की स्थापना किए। तो ये फ्रेजर वर्ब पता है हमें, सेटअप करना। इन 1886 व्हेन डॉक्टर देवले सेट अप हिज न्यू ऑफिस, हॉपिंग, क्या हॉपिंग, पैसे। देखिए आशा करते हुए पेशेंट्स का, जो रोगी है ना उनके लिए तो ये सेटअप किए थे, ऑफिस बनाए थे के लिए, कि हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इन 1886 व्हेन डॉक्टर देवले सेटअप हिज न्यू ऑफिस हॉपिंग फॉर पेशेंट्स, पेशेंट के लिए आशा करते हुए उन्होंने ऑफिस का सेटअप किया। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू ट्राई राइटिंग, लिखने का, क्या, डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी लिखने की कोशिश की है। एंड दस, और इस तरह मिस्टर शेरलॉक होम्स वाज बॉर्न, उनके डिटेक्टिव स्टोरी से ये जो रोल है इनका एक नया किरदार उत्पन्न हुआ। खैर डिटेक्टिव स्टोरी है, हम ये डिटेक्टिव स्टोरी लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। अब आगे हम करते हैं, हाँ आप मिला कर देख लीजिए, तब हम तीसरा में जाएंगे। आप करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम फिर पांच का ए में आगे बढ़ते हैं। ये वो आप द बिगोर, बिगोर एंड द जॉय, द चिल्ड्रेन देयर चार्ट चैट्स एंड सॉन्ग्स फिल द एयर, ए स्पिरिट ऑफ डिलाइट विच आई ड्रिंक एवरी डे दैट आई वॉज देयर। गौर करिए, बिगोर अभी जो उच्चारण कर लीजिएगा, मुझे दिक्कत हो रहा है। एंड द जॉय, यहाँ पर देखिए इसके सामने द लगा है, द जॉय, तो यहाँ पर भी आर्टिकल ही है, सेम है ना, इसका उम्मीद रखिए। आगे वैसे आपको करना है,
चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन के साथ ये इसका क्या संबंध है सोचिए। दियर चैट्स एंड सॉन्ग्स फिल द एयर ए स्पिरिट ऑफ डिलाइट। अब ये आर्टिकल पहले से लग गया है या प्रीपोजिशन होगा कौन सा कैसे समझ लीजिए। विच आई ड्रिंक एवरी डे दैट आई वॉज देयर। सोचिए क्या होगा, लिख लीजिए आप। करते हैं द जॉय, द देख रहे, द बिगो एंड द जॉय ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों का। देयर चैट्स एंड सॉन्ग्स फील्ड देयर विद स्प्रिट के साथ, विद स्प्रिट ऑफ डिलाइट विच आई ड्रिंक एवरी डे दैट आई वॉज देयर। हो गया, साहित्य भाषा में है, कहा गया। करते हैं ये हो गई, इसका करने जा रहे हैं हम यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का में जाएंगे हम। 5 का ए क्वेश्चन पेपर यहाँ आपके सामने, पेपर दे रहा हूँ, कलम क्या हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा हो तो समझ लें की चीज रहेगा, बार बार लिखा हुआ समझ के जाइएगा। 3 नंबर का है। वन डे द पोएट वॉज बेगिंग, मैंने भीख मांग रहा था, बेगिंग एक दिन कभी भीख मांग रहा था, अब या प्रार्थना कर रहा था, ठीक है जो भी है। वन डे द पोएट वॉज बेगिंग डोर, दरवाजा, डोर दरवाजा, सडनली अचानक ही सा गोल्डन चैरियट विद द किंग ऑफ किंग्स इन इट। रविन्द्र ठाकुर का ये गीतांजलि का कविता है अंग्रेजी में, जिसके ऊपर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वहीं से लिया गया है। तो भीख मांग रहा था ये वाला, वैसे भीख में प्रार्थना करना भी होता है, विनती करना। वन डे द पोएट वॉज बेगिंग डोर डोर, अब समझिए क्या होने वाला है। सडनली ही सा गोल्डन चैरियट्स, रथ सोने का, स्वर्ण गोल्डन चैरियट्स सोने का रथ, विद द किंग ऑफ किंग्स राजाओं के राजाओं के साथ इन इट, उसमें बैठे हुए थे। सोचिए क्या होगा। अरे वन डे, एक दिन कभी भीख मांग रहा था, ये डोर डोर है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो दरवाजे फ्रॉम डोर टू डोर ऐसे बोलते हैं, फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे। वन डे द पोएट वॉज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर, अचानक ही सा, अब ये सोने का रथ देखा, हिस्सा ए गोल्डन चैरियट विद द किंग ऑफ किंग्स इन इट। ठीक है, आगे करते हैं।
आज का। द लॉयन सफारी, नंदकानन इज लार्जेस्ट वन इन द कंट्री एंड कवर्स एन एरिया नियरली 20 हेक्टर्स। देखिए भैया क्या होगा, सोचिए। देखिए, द लॉयन सफारी, नंद कानन ये जगह का नाम है, एट द लॉयन सफारी एट नंद कानन। इज ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में जब भी होता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। इज द वे लार्जेस्ट वन इन द कंट्री एंड कवर द एरिया ऑफ नियरली 20 हेक्टर्स। हो गया, बस इतना ही रहने दीजिए, बाद में चिल्ला चिल्ली हो रहा है।